चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। रेंजर्स ग्राउंड में दो दिवसीय लोक विरासत का आयोजन होना है। 5 और 6 नवंबर को लोक विरासत कार्यक्रम का आयोजन होगा। रोगियों को उचित दरों पर यहां पर इलाज मिलेगा। सीएम धामी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट मंत्री भी साथ में उनके शिरकत करेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोक संगीत की भी प्रस्तुति यहां पर दी जाएगी। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोक विरासत का आयोजन किया जाना है। रेंजर्स ग्राउंड में 2 दिवसीय लोक विरासत का आयोजन किया जाएगा। 5 और 6 नवंबर को 2 दिवसीय पूरा लोक विरासत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर रोगियों को उचित दरों पर इलाज मिलेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ अन्य कैबिनेट मंत्री भी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही जो है कार्यक्रम तो होना ही है, लेकिन यहाँ पर रोगियों को इलाज मिलने के साथ साथ लोक संगीत की भी प्रस्तुति दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, 5 और 6 नवंबर को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है लोक विरासत का, किस प्रकार का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से किसको क्या फायदा होगा और साथ ही कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला है? जी देखिए पूनम, अगर बात करें देवभूमि के अंदर जो है ये जो लोक संस्कृति है यहाँ की, ये यहाँ पे जगह जगह इसके लिए बाकायदा मेलों का आयोजन किया जाता रहता है। और इसी कड़ी में यहाँ पर अभी 5 और 6 तारीख को एक लोक विरासत का मेला लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बाकायदा सूबे के मुख्यमंत्री खुद करेंगे, जिसमें सैन्य कैबिनेट मंत्री जो है गणेश जोशी और जो लघु उद्योग मंत्री है चंदन रामदास सहित कई मंत्री जो है इसमें शिरकत करेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो गढ़वाल की संस्कृति है उससे लोग रूबरू हों, उसके व्यंजनों का स्वाद ले सके और एक स्टेज एक मंच पे जो है ये तमाम चीजें जो है देवभूमि की जो संस्कृति है वो देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा इस बार जो शिविर लगाया जा रहा है वो जो रोगी है उनको बाकायदा जो है स्वास्थ्य लाभ यहाँ पे जो है उनको मुहैया कराया जाएगा। जी बिल्कुल अवनीश जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, अगर उनके साथ अन्य मंत्रियों की भी बात करें, कैबिनेट मंत्री कौन कौन से मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? जी देखिए पूनम, यहाँ पे अगर बात करें जो कैबिनेट मंत्री है सैन्य मंत्री है वो यहाँ पर जो है गणेश जोशी उनका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, जो लघु उद्योग मंत्री है चंदन रामदास उनका नाम सामने आ रहा है और उससे कई तमाम जो बीजेपी के आला नेता है वो यहाँ पे जो है उस मेले में शिरकत करेंगे। जी जी अवनीश जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल देहरादून से खबर आपको बता रहे थे, वहां पर रेंजर्स ग्राउंड में 2 दिवसीय लोक विरासत का आयोजन होना है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और साथ में उनके अन्य कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर जो है लोक संगीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी।